है वो बड़ा बदलाव लाती है, आदमी के सोचने के नजरिए में भी, सोसाइटी को समझने के दृष्टिकोण में भी, और सिस्टम में बदलाव लाने का भी एक बड़ा जरिया। सचिन पायलट एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं, सर क्या बदलना चाहते हैं, खुद को, सिस्टम को, या मुख्यमंत्री के फेस को, लीडरशिप को बदलना चाहते हैं? आप अच्छी तरह जानते हो जन संघर्ष यात्रा के आगाज हम लोगों ने किया उन मुद्दों को लेकर जो जनता के मुद्दे हैं। भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ, पेपर लीक हुए, पेपर कैंसिल हुए, युवाओं के अंदर जो उदासीनता है उसको ही आवाज बनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहकर उनकी बात सुनकर तब आगे बढ़ना चाहिए। हमारी यात्रा अजमेर से जयपुर है, अजमेर जो शिक्षा का सेंटर है, RPSC है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बस लगातार ऐसे प्रकरण आए। और जब जांच चल रही थी पेपर लीक की, जांच के बीच में कहा गया कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब जब सबसे ऊंचे पद से घोषणा कर दी जाए कि कोई अधिकारी, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, तो जांच एजेंसी, जांच अफसर कैसे न्याय कर सकते हैं? अभी वो कटारा को अरेस्ट किया है, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा? कौन वो ताकतें हैं? उनकी तह तक पहुंचने के लिए एक निष्पक्ष जांच जरूरी है। और लाखों लाख बच्चे ऐसे जिनके परिवार बहुत मेहनत कर कुछ लाख रुपए इकट्ठा करते हैं कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, किराए पे रहते हैं, किताबों में रखते हैं, वो टेरोरिस्ट हो जाते हैं या उनके भविष्य में अंधकार दिखता है। उनकी उम्मीद, उनका विश्वास इस व्यवस्था में ना खत्म हो, इस बात को लेकर हम चिंतित हैं। सर आपने कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, वही फैसला करेगी, जनता क्या संदेश दे रही है सर? मैंने ये नहीं कहा अदालत में जा रहा हूँ, जनता के साथ रहना पड़ेगा। कोई भी हमारा दल, सरकार, व्यक्ति हो, पब्लिक की आवाज सुनना बहुत जरूरी है और जनता से जुड़ाव रखना बहुत जरूरी है। अब तक हम लोगों के बीच जाएंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे नहीं, उनकी आवाज बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपना पूरा कर्तव्य नहीं निभा रहे। सर कर्नाटक चुनाव के परिणाम किस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्या बदलाव के? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था वहाँ पर। बड़ा स्पष्ट बहुमत आया है और बहुत दिनों के बाद आया है, ये मेरी बात को प्रूव करता है कि करप्शन का चार्ज हमें लगाया भाजपा के मुख्यमंत्री के ऊपर, 40% कमीशन सरकार बोला, उस चार्ज को लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसी विश्वास पे हमारे को बहुमत दिया है। ठीक वैसा राजस्थान में हुआ था, वसुंधरा जी की सरकार के समय हम लोगों ने, अशोक गहलोत जी ने, हम सब ने आरोप लगाए थे भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, और 4.5 साल होने के बावजूद भी हम उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विषय है। मैं 1.5 साल पहले आगाज कर चुका, चिट्ठी लिख चुका, निवेदन आवेदन सब किया, मंचन भी किया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि करप्शन एक ऐसा इशू है, हर नौजवान चाहता है कि इस पीड़ा से वो मुक्त हो सके। सर जब आप युवाओं से कल बातचीत कर रहे थे पेपर लीक के मसले को लेकर, ये एक ऐसा विषय जो सपने तोड़ने जैसा सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि समय रहते कदम उठाना चाहिए था, सिस्टम को ठीक करना चाहिए था? भाई अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, RPSC है, प्रिंटिंग प्रेस है, दलाल है, सरगना है, षड्यंत्रकारी है, ये पूरा रैकेट और कार्टेल है ना, उसको अगर हम ध्वस्त नहीं करेंगे तो ये बार बार होता रहेगा। एक जांच होगी, एक कानून बनेगा, एक एसओजी गठित होगी, 2-3 दलाल पकड़े जाएंगे, एक दो को आप अरेस्ट कर लोगे, लेकिन पूरे सिस्टम को मूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है। और युवाओं से बात करके मुझे लगा कि वो बहुत जागरूक है, उनको सब पता है कौन क्या हो रहा है, लेकिन वो आशा उम्मीद ना खोए, ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए उनसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और लगातार चाहता हूँ कि भविष्य का, हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। सर आप 25 सितंबर की बात करते हैं, फिर गहलोत कैंप जो है पुरानी घटना मानेसर का जिक्र करता है, तो कहीं कोई मतलब पार्टी के भीतर कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार नहीं हो सकता जो पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ा जाए? 2020 में जब मुझ पर ग्रेस 2 के मुकदमे में कार्रवाई हो रही थी, हम सब अपनी बात कर दिल्ली गए, बिल्कुल वहां पर लंबे समय तक चर्चा हुई। आज वो दुनिया में नहीं है स्वर्गीय अमल पटेल जी, लेकिन उस समय उनके साथ बैठ कर हमने खाका तैयार किया, AIC से मेरी बात सुनकर कमेटी बनाई जी, उस कमेटी के सदस्यों ने एक रोड मैप तैयार किया मेरी सहमति से, और एक रोड मैप के पर हम चल रहे थे। बिल्कुल जब मैं उसको उठाता हूँ वसुंधरा जी के करप्शन का या ये पेपर लीक के मुद्दों पर, तभी आरोप वापस आ जाते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, आरोप 2.5 साल से क्यों नहीं आए हैं? ये टाइमिंग बड़ा विचित्र है। दूसरी बात,
मानेस या दिल्ली या हम लोग जब मानेसर में रुके वहाँ पे साथ आए थे जयपुर, उसके बाद पार्टी ने कार्रवाई करी, हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात हुआ, जो सोनिया गांधी जी की इज्जत को लुच्चों में मिलाया गया, जो अपमान हुआ, जो कांग्रेस इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वो उस दिन हुआ। उसके बाद हमने नोटिस दिए, कार्रवाई नहीं हुई। इंडिसिप्लिन वो था, गुटबाजी वो थी, स्वार्थ की राजनीति वो थी, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और ये पब्लिक डोमेन में है, मेरा नहीं है। हम में से किसी ने भी कभी इस्तीफा नहीं दिया। इतने सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, जो स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये दबाव में दिए गए इस्तीफे थे, तो किसने दबाव डाला था, कौन जवाब देगा, अपनी सरकार को खतरे में किसने डाला? तो ये सारी बातें जहन में है, पार्टी भी इसमें चर्चा करती होगी, सोचती होगी। कि मेरी ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं है, मैं तो करप्शन के खिलाफ यात्रा निकाल रहा हूँ। युवाओं के भविष्य को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उनको संरक्षण देना, उनकी उम्मीद जगाए रखना, ये उद्देश्य है इस जन संघर्ष यात्रा। लेकिन गहलोत थे वहाँ, कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हालांकि 2.5 साल से आपके पास कोई पद नहीं है, बिना पद के आप काम कर रहे हैं, क्या इस कितनी अच्छी बात बोली है, बिना पद के, बिना लालच के, निस्वार्थ भाव से पार्टी का काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, देश के हर कोने में जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाजपा को मैं पटकनी देकर आता हूँ। तो ये तो मुझे स्वागत करता हूँ इस बात के, जो बोल रहे हैं, मैं तो कभी नहीं बोलता किसने किसको पानी पिला दिया, कौन दूध है कौन नींबू है, मैं तो सिर्फ मुद्दे सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी का आरोप नहीं लगाया, मैंने मिली भगत का आरोप लगाया ही नहीं, स्वच्छा से लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, उसका मेरे पास क्या लाभ। लेकिन अब तो फेस बदलना चाहते हैं सर, इस बार मैदान में जब जो मुझे कहना था मेरी पार्टी, मैंने बोल दिया, मैं मीडिया में इस बात को बोलूंगा उसको ठीक नहीं। सर अब दिल्ली में बैठक हुई अभी कल, आज भी सुबह चर्चा हुई, क्या सही फीडबैक नहीं जा रहा राजस्थान से वहां तक, या अब वाकई फैसला लिया जाएगा? राजस्थान दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, तो सबको सारी बातें मालूम है, और आप जैसे जागरूक पत्रकार सारी बात पहुंचाते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं सही सही सारी बात पहुंचती होंगी, सारी बात चर्चा होती होगी। मैं तो कई दिनों से, अब आप देखो, मैंने जब ये यात्रा की घोषणा करी उसके एक दिन बाद मैं सड़क पर आ गया। इस भीषण गर्मी में इतने सारे लोग इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल वर्कर को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जनमानस की सोच और उनकी भावना किस प्रकार जा रही है। खड़गे मजबूत हुए हैं कर्नाटक चुनाव के बाद, आप उम्मीद कर रहे हैं कोई फैसला करेंगे सर? नहीं, उनके कार्यकाल में सेकंड विक्ट्री है हमारी, बिल्कुल, पहले हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, और दूसरी जगह भाजपा को हराया है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, हम वहाँ जीते किस लिए, क्योंकि हमारा कैंपेन जो था वो करप्शन के खिलाफ आधारित था, समझे इस बात को। हमने बाकी चीजें नहीं बोली, हमने कहा 40% कमीशन सरकार, तभी तो लोगों ने विश्वास किया, अब सरकार हमारी बनेगी वहाँ पर, तो तुरंत हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो भाजपा सरकार गई है कर्नाटक में, उसके सर ये जो कार्यकर्ता आपके पास आता है, हम भी बात करते हैं, या महंगाई राहत कैंप में जाते हैं, लोग कह रहे हैं कि झगड़ा खत्म होना चाहिए, दोनों अगर एक साथ आएंगे तो पार्टी जीतेगी। झगड़ा का सवाल ही नहीं उठता, मेरी कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है, मैंने कभी किसी को अपशब्द बोले हो, किसी को बुरा भुला कहा हो, किसी को धमकी दी हो, मेरी ना इतना पार्टी किसी से नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं है, बात मुद्दे की है, बात पार्टी को दोबारा चुनाव जिताने की है। बार बार सरकार बनती है, खून पसीने बहाकर लोग सरकार बनाते हैं कांग्रेस की, और 5 साल के बाद भी बंडाधार की बुरी तरह हारते हैं, विश्लेषण करना पड़ेगा ना भाई। हर बार सरकार हमारी बनती है, हम अच्छा बजट देते हैं, अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, तो वोट क्यों नहीं मिलती, ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना। 25 साल से स्कीम्स बना रहे हैं, अच्छी बनाते हैं, अच्छी योजना बनती है, बजट दो दिया जाता है, लेकिन तो वोट नहीं मिलता। अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो वोट की जीत होती है, तो बार बार हम हार रहे हैं, उसमें कुछ हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, और हर स्टेट में करना चाहिए, खासकर राजस्थान में, क्योंकि चुनाव 5 महीने दूर है। तो मई के महीने में जो बीड़ा उठाया, आपको उम्मीद थी इतना बड़ा जो क्राउड है यूथ आपके साथ आएगा, बड़ा गर्मी का मौसम है, ये किसी व्यक्ति के ना पक्ष में ना फेवर में है, पब्लिक का इशू है, पब्लिक के साथ हम चल रहे हैं, और मुझे खुशी है कि नौजवान और किसान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और कहा गया था ना, हल्क की आवाज क्या है, हल्क की आवाज क्या है, हल्क की आवाज ये है जो आप अपनी जड़ों से सुनाई दे रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया सर।